मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। और आ चुका है तुम्हारा भाई एक बार फिर से सोलो कॉन्कर लाबी का गेम प्ले लेके भाई साहब। और आज के वाले गेम प्ले में बात करेंगे भाई, जब भी ब्रिज के उस साइड जोन बने यार, तो आपको कैसे सर्वाइव करना है, मतलब जोन में कैसे जाना है आपको उसके बारे में पता चलेगा। और इजली आप ब्रिज के उधर चले जाओगे। काफ़ी लोग भाई इस समय हैकर बहुत आ रहे हैं, तो ब्रिज ब्लॉक कर देते हैं भाई, और वहाँ पर गलत सीन होता है। और देखो भाई साहब, अभी भी 30 बंदे अलाइव थे और चौथा जोन यहाँ पर, मतलब थर्ड जोन ऑलमोस्ट बन ही गया था। तो अब अपने को जाना था भाई ब्रिज के उस साइड में, और मैं देख रहा था कि जिस साइड का ब्रिज मतलब जोन कट जाता है उसी साइड से जाते हैं, और अभी नो के पे मतलब जोन था तो इधर से अपन जा नहीं सकते थे। तो अपन सीधा मिलिट्री के साइड जाएंगे और वहाँ पे भाई चौथे जोन पे देखो कब आपको जाना है वो चीज़ देखो। अब यहाँ पे भाई साहब हम लोग आ जाते हैं और अपने पास जितनी भी हीलिंग वगैरह होती है, अभी चौथा जोन बन चुका है, चौथे जोन में अपन हील बैटल तो कर ही सकते हैं आराम से बैंडेज के साथ या फिर। और अपने पास देखो एक्स्ट्रा अभी भी 6 हेल्थ किट थी, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं, आराम से जितने भी बंदे रोटेशन देना चाहते हो ब्रिज से दे दें। मतलब 1 मिनट या 30 सेकंड जितने बचते हैं तो अपन 1 मिनट या 30 सेकंड पे ही आप निकलने की कोशिश करो, ताकि जैसे ही पांचवा जोन बने आप जोन के अंदर रहो एटलीस्ट इतनी टाइम, मतलब इतने एवरेज से निकला करो कम से कम। अब भाई साहब बात तो हो गई ये वाली, और दूसरी बात बता दें भाई, समय हर लॉबी में भाई 10 से कम हैकर तो आ ही नहीं रहे भाई, जो मैं बताऊँ यार। इसीलिए भाई अपन का मतलब कॉन्कर तो हो ही गया है, बट यार मन नहीं कर रहा है खेलने का, माइनस लग जाता है भाई, क्या ही करें यार। इसीलिए अपन अभी थोड़ा सा होल्ड रखें, रेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही हैकर बैन हो जाएंगे भाई फिर से अपन लीडर बोर्ड में पहुंचेंगे जल्दी से, तो उसकी दिक्कत ना लो आप लोग। और देख लो भाई कैसे अपन ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ये भी स्ट्रेटजी आपको जान लेनी चाहिए। और अब इसके बाद भाई अभी तो 2 ही किले हैं, और इस गेम में कैसे अपन चिकन डिनर निकालने वाले हैं तो वो भी देखो। अब यहाँ पर अपन जोन के अंदर आ गए थे, पर ये वाला सैक तो खाली नहीं था, पर ये वाला कंपाउंड अपने को खाली था, और तो अपन सीधे भाई साहब इस वाले कंपाउंड में आ जाते हैं यार, और देखते हैं खाली है। और साथ में सेंटर में भी होता है, और जोन के मामले में मतलब सेंटर में नहीं था, सेंटर के एज में था, पर यार जोन के मामले में तुम्हारे भाई को तो समझ ही रहे हो। और भाई साहब बता दूँ, अब पूरा का पूरा जोन अब यहीं पर रहेगा, और सामने वाले सैग में एक बंदा होता है यार, अपने पास 3 ग्रेनेड होते हैं उसके ऊपर फेंकते हैं, बट भैया क्या ही किस्मत कहें यार, कोई भी मतलब नहीं निकलता, सारे ग्रेनेड अपने वेस्ट ही हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगला जोन भी क्लोजिंग होने वाला था गाइज, और अगला जोन देखो भाई कहाँ पे बनता है, मतलब अपन बिल्कुल सेंटर में आ गए थे, और अपन भाई जहाँ पे गाड़ी रोक देते हैं जाके मतलब जोन वहीं पे बनता है, क्या ही कर सकते हैं यार, कभी कभी तो बनता है मतलब ना, समझ ही रहे हो। और यहाँ पे भाई साहब 10 बंदे अभी भी छोटे सर्कल में अलाइव थे, एक सामने सैक पे था और बाकी बंदों का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और एक बंदा अब अपने ऊपर पुश करने वाला है, और देखो फिर अब यहाँ पे भैया जैसे हील लगाने का साउंड आता है, भैया ये बंदा तो हील लगा रहा, शायद कहीं से डैमेज हुआ होगा, तो भाई साहब इनको सीधा भर देते हैं। और एक बंदा अभी अपने साइड पे है, और एक बंदा यहाँ पे लेफ्ट में जो डासिया से आया था वो होता है, और यहाँ पे बंदा अपने को स्पॉट भी होता है शील्ड के पीछे होता है, तो जैसे ही शील्ड तोड़ते हैं अपन भाई बंदा पेड़ के पीछे भग जाता है, और जैसे ही अपन सोचते हैं चलो भाई राइट से मार देता हूँ इसको जैसे तैसे करके, बट भाई साहब डीपी से यहाँ पे सामने वाला बंदा जो साइड में होता है वो उसको किल कर देता है। और यहाँ पे 1v1 की फाइट बची हुई थी, और इंटेंस 1v1 होने वाला भाई, जो देखो कैसे। और यहाँ पे अपना भाई हो जाता है बिना बिना चिकन डिनर। और दूसरे गेम प्ले की बात करते हैं भाई साहब ना, तो उसमें भाई सारे बड़े यूट्यूबर्स आए हुए थे भाई, एंग्रोजा, ABS, सारे के सारे, तो देखो यार गेम प्ले और मज़ा आ जाएगा आपको।
ABS भाई भी आए हैं, प्रिंस वाइटी भी, सारे गेम सारे के बड़े बड़े मतलब क्रिएटर आए हुए हैं, तो मज़ा आएगा। तगड़ी लॉबी और भाई साहब क्या ही प्लस मिलता है उसमें। बोलो बोलो बढ़िया बढ़िया भैया, आप कैसे? थैंक यू ब्रदर सो मच। अब यहाँ पे थोड़ा भाई प्रिंस वाइटी से बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई प्रिंस वाइटी को मतलब उनका गेम प्ले देखते थे अपन पहले से भी और अभी भी देखते हैं गाइस। और एबीएस भैया का तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, ज़बरदस्त प्लेयर है, मतलब क्या ही करते हैं। और एंग्रोजा भाई भी इस गेम में आए हैं, एंग्रोजा का तो भाई क्या ही बोले, क्या मूवमेंट देते हैं भाई, सारे बड़े क्रिएटर। और अपन भाई उतरते हैं ये आइलैंड पे भाई साहब, और यहाँ पे एंग्रोजा से अपनी फाइट होने वाली है, तो देखो यार। अब भाई साहब एक बंदे को तो मैं मारता हूँ, तब तक भाई राइट से भाई एंग्रोजा भैया ना जाने कहाँ से दिख जाते हैं यार, और अचानक से सरप्राइज मदर फादर करके भाई अपने को भाई टोचन दे देते हैं। और अपन आके भैया जॉर्जपुर लैंड करते हैं और जॉर्जपुर में लूट करेंगे भाई। और मुझे पता था भाई लॉबी खतरनाक है यार, बंदे भी लास्ट में एकदम दबा के बचेंगे यार, और सीधे आपको जोन में ले सकते हैं, ले चलते हैं भाई थर्ड जोन में। और अपन भाई सोचे थे कि थर्ड जोन सेंटर होल्ड करेंगे और वैसे ही करते हैं, तो देखो यार कहाँ होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे गाइस थर्ड जोन क्लोजिंग होने, मतलब सेकंड जोन क्लोजिंग हो रहा था और थर्ड जोन बनने वाला था, तो अपन वेट ही कर रहे थे गाइस। और जैसे ही थर्ड जोन बनता है यार, तो अपन सोचते हैं भाई ये वास्ट टावर जहाँ पे होता है सीधा वहीं पे चलते हैं और वहाँ पे जाके होल्ड करते हैं, शायद कोई किल्स वगैरह मिल जाए यार, किसी को मार तो पाए कम से कम। और वहाँ पे चलते हैं और देखो फिर। अब यार यहाँ पे आए हुए अपने को काफ़ी देर हो गई थी, बट यार कोई भी बग्गी वगैरह इधर जाती नहीं, और जो भी रोटेशन जाते हैं गाइस वो काफ़ी दूर से। और अपना कार स्प्रे आजकल क्या ही हो गया है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई फिर से अपना जोन कट गया था यार, तो अपन क्या करते हैं सीधा बग्गी उठाते हैं, कोई टायर शायर ना फोड़ दे, और अपने को जोन में जाना था। और भाई साहब अब देखो यहाँ से शुरू होने वाला है गलत सीन। अपन तो भाई सोच रहे थे चलो एक सामने यहाँ पे सैग होता है, जो कि वहाँ लिटरली अधिकतर वहाँ पे जोन बनता है, शायद खाली होगा, अभी तो कोई लिया ही नहीं होगा, तो अपन जाते हैं वहाँ के लिए। और जैसे ही आके यहाँ पे गाड़ी धीम करता हूँ ना भैया, ऐसे धीमी किया गाड़ी, तो भाई यहाँ पे तो देख लिया भैया बग्गी लगी थी, तो अपन जाने सकते थे। और यहाँ पे भाई अपन आई से देख रहे थे कि बंदा है कहाँ पे, और इतने में जाके भाई साहब बग्गी लड़ जाती इसमें। और भाई जैसे ही लेके जाता हूँ सामने से पढ़ने लगती है, और यहाँ पे एक बार बंदा उतरा फिर गेट इन कर लिया भाई, चारों तरफ से पढ़ने वाली थी और दूसरी तरफ से पीछे से पढ़ने लगती है, तो जैसे तैसे एक शील्ड बनाता और यहाँ पे रुकता हूँ। अब भाई साहब फिर से कहोगे यार यहीं पे आके रुके हो, अब आगे जोन में कैसे जाओगे, तो भैया जोन में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई जहाँ रुकेगा जोन वहीं पे बनता है, और फिर से यहीं पे जोन बनने वाला है, और देखो कब तक। अब यहाँ पे भाई साहब अपन बाल बाल बच जाते हैं जैसे तैसे करके यार, और एक ही शील्ड थी अपने पास और ऊपर से ओपन था, मतलब रिस्क था, तो अपन आराम से कुछ देर यहीं पे लेटते हैं स्मोक वगैरह करके। और अगला जोन, उससे अगला भी जोन, दो जोन यहाँ पे अपने पास बनता है, जो कि किस्मत वाली बात होती है। और आखिर में देखो भाई फिर क्या होने वाला, और सब पीछे वाले बंदे का जोन इस बार कटेगा और अपने पे आने की कोशिश करेंगे, तो देखो कैसे भरते हैं। अब भाई देख रहे हो दो जोन अपने पास बन ही जाता है, और ईबीएस भैया जी बंदे को धनाधन पेल रहे थे यहाँ पे, और ये बंदा भाई जो सैक के अंदर था जिसने अपने को टोचन देने की कोशिश कर रहे थे उसको भर देते हैं भाई। और यहाँ पे अब देखो क्या सीन होने वाला है। अब यहाँ पे भाई सामने एक बग्गी वाला बंदा आता है यार, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब 1 HP से भी कम अपन डैमेज देते हैं यार। अब ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सामने कौन है आप तो समझ ही गए होंगे, ABS भैया सामने आ चुके थे अपने, जो कि हमें बाद में पता चलता है, और इनके ऊपर नेट बरसाना शुरू कर देते हैं गाइस, बट हर नेट से ये ABS भैया बचा दे। थोड़ा सा पहले ग्रेनेड गिर रहा था अपना, और वहाँ तक ओपन में जाके अपन जंप करके भी नहीं मार सकते थे, और फुल अगर एक बार मारते स्प्रे तो यहाँ पे अपना काम हो सकता था, बट भाई साहब पीछे वाला बंदा अपने को डैमेज देता शुरू कर देता। और यहाँ पे देखो ये क्या सीन होता है गाइस अपने साथ, ये सीन भाई गलत ही हुआ, अपन बग्गी के अंदर चिपक गए भाई, मतलब मैं स्मोक करके भाई बग्गी से बाहर आ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब क्या ही करूँ भाई, कुछ भी कर लूँ, मतलब देख रहे हो मैं कोशिश कर रहा हूँ बग्गी से निकलने का, पर अपन उसके अंदर फंस जाते हैं। अपन बैक साइड में जाना चाहते थे, बट
नहीं हो पा रहा था भैया, क्या ही कर सकते हैं। और एबीएस भाई का ग्रेनेड आता है भाई और अपने को पूरा भर देते हैं गाइस। और अगर आपने गेम प्ले देखा ना हो तो एबीएस वाला देखा ही होगा जरूर। तो यहाँ पे एबीएस से हमारी फाइट हुई थी गाइस और 1 HP हमने खुद ही देखा है, तो 1 HP हो गए थे एबीएस भाई। बट कोई नहीं यार, अच्छे प्लेयर्स के गेंद फाइट लेने का तो यही मजा। अगर बग्गी महीने पसता तो शायद थोड़ी सी और अच्छी फाइट हो सकती थी यहाँ पे, बट यार कोई बात नहीं। और यहाँ पे भाई साहब EBS भैया अपने को किल कर देते हैं। बट यार लॉबी खेल के मज़ा आ गया था अपने को यार। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ भाई, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही तगड़ी लॉबी के लिए भैया चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। जबरदस्त गेम प्ले आने वाले हैं, जैसे हैकर बैन होंगे तो अपन लीडर बोर्ड में पहुँच जाएंगे यार। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।